नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी और आप सब देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज की तरफ से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बूंदी में 73वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ध्वजारोहण किया। इसी क्रम में जिला परिषद कार्यालय पर जिला प्रमुख ने, जिला न्यायालय परिसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुधीर कुमार पारिक तथा जिला पुलिस कार्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने ध्वजारोहण किया। इसी क्रम में 73वां गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन खेल संकुल बूंदी में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना थे, जिन्होंने ध्वजारोहण करके परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन व अपना उद्बोधन दिया तथा जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम के अंत में खेल संकुल में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ओपन जिम का फीता काट कर उद्घाटन किया और कहा कि जिम में व्यायाम करके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें व अधिक से अधिक योगा करें। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, SDM, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला प्रमुख, नगर परिषद सभापति, बूंदी जिला गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना, गणमान्य व्यक्ति तथा प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। में जिला कलेक्टर एवं अन्य पदाधिकारी आज हमारे साथ मौजूद है, तो आज हम जिला कलेक्टर से गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस पर हम शपथ लें कि हम देश की सुरक्षा और अक्षुण्णता बनाए रखेंगे। आप सबको गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी जो भावना है और उसके जो है जनता सुखी रहे और कोरोना काल में जो महामारी का जो प्रकोप है वो जनता में नहीं फैले और आने वाला समय जनता के लिए प्रजातंत्र अच्छा रहे। गणतंत्र दिवस पे मैं जनता को पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो संविधान हमारा लागू हुआ है वो ट्रू स्पिरिट में लागू होता रहे। राष्ट्रीय स्वर सलामी सस।
जब हमारा देश आजाद हुआ, कायदे कानून की आवश्यकता पड़ी, तब हमारा संविधान बना। तो हमें हमेशा देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहिए। जय आज जलपान के लिए पधारो आप लोग। हमारे देश में आज के दिन संविधान लागू हुआ था। आज़ादी के पहले अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी के बाद जब भी कायदे कानून की आवश्यकता पड़ी देश को चलाने के लिए, तो ये संविधान बना। हमें संविधान के प्रति हमेशा सहनशीलता रखनी चाहिए, देश के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए। इस जय हिंद जय भारत। राष्ट्र स्लोट सलामी सस्त। हमारे बीच बता चुके हैं माननीय अशोक जी चांदा साहब, खेल एवं युवा मामला मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर। आप सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हों।
गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि महोदय को निवेदन करने के लिए कि आज की गणतंत्र दिवस की परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड के निरीक्षण के लिए वाहन पर विराजमान हो निरीक्षण हेतु सलामी मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। दिवस के आयोजनों का आप सब यहां पधारते हैं, इस दिन अपनी भावनाओं को लेकर यहां इस मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया और अब स्प्रेड कमांडर महोदय ने वंदनी माँ को न भूलो राग में जब मत झूलो अर्चना के रक्त कण में एक कर अपने साथ चल रहे हैं। ये स्वाभिमान के साथ इस देश को संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के पद पर पद स्थापित करने की भावनाओं के साथ आगे बढ़े चले आ रहे हैं। ये जज्बातों को लेकर आ रहे हैं, एक आत्मविश्वास अपने अंदर समेट कर बढ़े चले आ रहे हैं। ये एक दृढ़ निश्चय इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। इस देश की आंतरिक सुरक्षा में अपने दायित्व को निभाने का जज्बा लेकर बढ़े चले आ रहे हैं सलामी मंच की ओर। ये प्रदर्शन है कौशल का, ये प्रदर्शन है जज्बा का, प्रदर्शन है शौर्य का, प्रदर्शन है स्वाभिमान का। ये इस राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को अपने कंधों पर निर्वाहित करने की जिम्मेदारी लेकर बड़े चले आ रहे हैं, कदम से कदम मिलाते हुए कर रहा है। ग्रेट कमांडर बहादुर सिंह की आर एस एफ के नेतृत्व में धीरे धीरे ये ट्रुप आगे बढ़े चले आ रहे हैं। सलामी मंच मान्य मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्र ध्वज तिरंगे को सलामी देने हैं। सबसे पहले आरएसी का दस्ता जो राज्य सुरक्षा में अपना दायित्व निभाता है नेतृत्व कर रहे हैं याकूब खान साहब एसआई। राजस्थान पुलिस जो गृह रक्षा में अपनी जिम्मेदारी को निभाती है सत्यनारायण सिंह के एसआई साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे और मान्य मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजर रहे हैं। राजस्थान पुलिस का महिला का ये दस्ता जो हमारे राज्य के आंतरिक सुरक्षा में अपने दायित्व को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निभा रही है गीता जी एसआई साहब के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरा और राजस्थान होम गार्ड का प्रदर्शन कर रहा है कि आज जो है देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। जहां हमारे रग रग से ये आवाज निकलती रहती है हिमाद्री संघ में प्रबुद्ध शुद्ध भारती बार बार याद दिलाता रहे कि किन परिस्थितियों से होकर भारत ने अपनी आजादी प्राप्त करी और किन परिस्थितियों से होकर भारत का ये महान गणतंत्र आज हम सबके समक्ष विराजमान है। आइए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के अगले पायदान पर हम निवेदन करते हैं। आया तिहत्तरवा गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये कामना करता हूं कि नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के बेहतर प्रबंधन में राजस्थान एक उदाहरण रहा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया है। राजस्थान कोविड टीकाकरण में प्रदेश अग्रणी रहा है। प्रदेश में 15 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के
4,84,00,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रथम एवं 3,75,00,000 से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 788 सरकारी एवं 634 निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत कैंसर, हृदय रोग एवं डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की 106 दवाइयां शामिल की गई हैं। हम सब हब एंड स्पोक मॉडल पर 125 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देकर इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 33 मदर लैब, 170 हब लैब एवं 3,009 स्पोक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर प्रत्येक में 150 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में अब किडनी के साथ साथ लीवर एवं हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विगत 2 वर्षों में MBBS की 880 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2021 में 1,73,00,000 फसल पॉलिसियों का बीमा किया गया है। गणतंत्र दिवस की इस पावन पर समस्त बूंदी के जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज वो दिन है कि जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ और संविधान वो दस्तावेज है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तकरीबन 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी रंग, सभी वर्ग, सभी इलाके के लोगों को बराबर बनाती है, बराबर उनको मान सम्मान देने का एक दस्तावेज है। इससे पूर्व में जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तो हमारा देश वर्गों में बटा हुआ था, और जब तक हमारा देश बटा हुआ था अनेकों बार विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने हमारे देश में जगह हासिल की, चाहे वो मुगल रहे चाहे अंग्रेज रहे। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ा भी सही, और साथ ही साथ देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया जिससे कि आज ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। और हमारा देश अभी एडीएम साहब ने पढ़कर सुनाया प्रतिवेदन जो है कि किस प्रकार से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार निरंतर विकास कार्य में जुटी हुई है। आज इस मंच के माध्यम से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को, और सबसे विशेष जिले के चिकित्सा विभाग को कि अपनी जान पर खेलकर जब कोविड की बीमारी ने पूरे देश को जकड़ा हुआ था, दूसरी लहर आपने अपने सामने देखी, उसका जमकर मुकाबला किया, आखिर में जीत बीमारी की नहीं हुई, जीत सिस्टम की हुई, जीत हमारे देश के नागरिकों की हुई। मैं आप सबको विशेष बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके परिश्रम के कारण, आपकी मेहनत के कारण राजस्थान में पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ, और राजस्थान के काम को न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि अनेकों विदेशी एजेंसियां जो इस कोविड के हालातों के ऊपर नजर रखे हुए थी उन्होंने सराहा, और राजस्थान मॉडल को और प्रदेशों के देशों में लागू करने की बात भी कई बार कही। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिला चिकित्सा विभाग, प्रदेश का चिकित्सा विभाग, प्रशासन और पुलिस और बाकी विभाग जो हैं, अगर आप सब लोग मुस्तैदी से काम नहीं करते तो राजस्थान में इस प्रकार से एक मॉडल स्थापित होना वो संभव बात नहीं है। मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ और बूंदी के जिलावासियों को एक बार पुनः इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको मैं बहुत
के माध्यम से नए आयाम जिले को प्रदान किए हैं। जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। इसी श्रृंखला में निवेदन है श्री चंद्र मोहन जी गुप्ता के आयोजित सभागार में आयोजन किया। आपने 16 और 17 कुल राशि 2,894.58 करोड़ के निवेश के लगभग 4,374 व्यक्तियों के लिए जिले में रोजगार सृजन का कार्य किया। जिला पूर्वक एवं समय पर निष्पादन किया। आगे आ जाओ मैडम, थोड़ा सा दिनेश बूंदी के लेखा संधारण कार्य के साथ साथ पंचायत समिति बूंदी एवं तालाड़ा में लेखा संबंधी अतिरिक्त कार्य किए। आमंत्रित है श्री अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। जी हां, हम सभी जानते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े व्यक्ति इनको। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, वैक्सीनेशन, COVID-19 प्रबंधन, शाला दर्पण फीडिंग, शैक्षिक ऑनलाइन सभी कार्यक्रमों को नियमित रूप से करवाने हेतु जिला प्रशासन इनका सम्मान करता है। श्री थान 21-22 के अंतर्गत राजीव गांधी जल संचय योजना, माइक्रो वाटर शेड एवं पंचायत के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना से 82 कार्य राशि 290 लाख हुए कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है, आपको बधाई प्रेषित करता है। इसी श्रृंखला में आपका अभिनंदन करता है। श्री सुरेंद्र जी तंबोली, सफाई निरीक्षक कार्यालय नगर परिषद बूंदी, आपको बूंदी जिले के COVID-19 में आमंत्रित हैं। श्री फोरूलाल जी, व्याख्यात अंग्रेजी, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंडोली, हिंडोली ब्लॉक के कोविड महामारी के दौरान हिंडोली में कोविड केयर एवं क्वारंटाइन सेंटर में प्रभारी के रूप में आपने सराहनीय कार्य किया। इसी श्रृंखला विद्यालय से 16 वृक्षारोपण जन प्रतिनिधियों के समन्वय स्थापित कर स्कूल के 2 हॉल एवं टंकी का निर्माण आपने कराया। अगली कड़ी में है श्री सुदर्शन दयाल कर स्कूल में 2 हॉल, ट्यूबवेल एवं टंकी निर्माण करवाया और स्कूल में वृक्षारोपण की शानदार वाटिका का निर्माण कराया। श्रीमती उमा हाड़ा राज्य स्तर पर स्काउट व गाइड को राज्य पुरस्कार हेतु प्रेरित करना, COVID-19 में श्रेष्ठ कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एवं जन अनुशासन गतिविधियों में जिला एवं मंडल स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य करना। जिला प्रशासन में अति विशिष्ट कार्य हेतु जिला प्रशासन इनका सम्मान कर रहा है। अगली कड़ी में है श्री अम्बालाल जी गुर्जर, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पढ़ता है। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है, आपको साधुवाद देता है। श्री शिवराज है, श्री भवनलाल मीणा,
अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ाबांध और आपके कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करता है। श्री योगी शर्मा संदर्भ व्यक्ति कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। योगेश जी को हम सभी जानते हैं, इनकी शैली से सभी वाकिफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री राम प्रकाश वर्मा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण एवं इम्यूनिटी क्लिनिक समन्वय के तौर पर इन्होंने बहुत ही उम्दा कार्य किया, इसके लिए जिला प्रशासन इनको सम्मानित करता है। अतुल हुसैन अंसारी परिचारक क्वारंटाइन ड्यूटी एवं औषध पैकिंग और औषध वितरण में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिला प्रशासन इनकी सेवाएं और भी मायने रखती है, धन्यवाद आपका। श्री शीतल कुमार कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद बूंदी को है। श्री अलानूर फायरमैन नगर परिषद बूंदी कोविड 19 तथा ऑफिस कार्य व्यवस्था में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। से कार्य किया, राजस्व वसूली में अग्रणी कार्य इत्यादि, इनके खाते इनका यहाँ पे आज अभिनंदन किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश प्रजापत कनिष्ठ, श्री बाल किशन सूचना सहायक कार्यालय उपखंड अधिकारी तालेडा, प्रशासन गांव के संघ अभियान में समस्त ऑनलाइन कार्य, जाति प्रमाण पत्र एवं संपर्क पोर्टल लाइट्स पोर्टल का उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य। श्री प्रेषक कुमार, श्री राजीव शर्मा, श्री राजीव शर्मा सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद बूंदी, स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ग्राम बूंदी विद्यालय में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु प्रभात कुमार जी को जो है ये अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट बूंदी, श्री राजेंद्र कुमार इधर देखो, उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु राजेंद्र जी को आज ही अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। पुरुषोत्तम वर्मा जी उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु जिला प्रशासन का हार्दिक इस्तकबाल करता है, इनकी सराहना करता है, इनकी कर्मठता को सलाम करता है एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु जिला प्रशासन इनको सम्मानित करता है। श्री राधेश्याम वर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता वरिष्ठ सहायक कार्यालय RCHO बूंदी, श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु जिला सर्किट हाउस बूंदी। गुमान सिंह कुक सर्किट हाउस बूंदी उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य हेतु आपको जिला स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री शिवराज बैरागी रक्तवीर रक्तदान जीवनदान टी बूंदी, कई रक्तदान शिविरों में डाइटिशियन श्री रजत जैन निदेशक एवं संस्थापक हेल्थ वेल्थ क्लिनिक फिटनेस शारीरिक वजन कम करना लाइफस्टाइल संबंधी एवं खिलाड़ियों के आहार विशेषज्ञ के कार्य इन्होंने हजारों। हम आमंत्रित करते हैं आपको, आप पधारे हैं और आप पे सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो आपने किया है, एक सांप्रदायिक सामंजस्य बिठाते हुए लोगों के बीच में आपने अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है, जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। इसी श्रृंखला में हम निवेदन करते हैं श्री इंद्रजीत जी वर्मा पूर्व सरपंच तबलाना सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप समाज सेवा में निरंतर करने का कार्य संपादित करता है। श्रृंखला में आमंत्रित हैं श्री विजय जी चांदना वार्ड पंच चाकोली नेगढ़, परिजनों की आपने भरपूर सेवा की और समाज में एक सराहनीय कार्य के माध्यम से अपनी पहचान दी। श्री जितेंद्र जी सैनी समाज सेवी
कोविड-19 के दौरान आपने उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से समाज को अपनी सराहनीय सेवाएं दी, जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री सीताराम जी सैनी समाज से श्री राम रतन जी भील सरपंच लोईचा प्रशासन गांव के संघ अभियान में आपने पट्टे जारी करवाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। जिला प्रशासन आपका इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिनंदन करता है। नितिशा शर्मा सचिव इनाया फाउंडेशन बूंदी जिले में 125 ग्रामों में रोड सेफ्टी विद पीडब्ल्यूडी और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में आपने कार्य किया है। जिला पूल बूंदी आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य जो आप प्रदान करते हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री अब्दुल जी सलीम वाहन चालक जिला पूल, आपने निष्ठा पूर्वक राज के कार्य संपादन कर कोरोना काल में सराहनीय का, जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री युधिष्ठिर जी मीणा सीडी नंबर 80 कार्यालय जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा बूंदी, आपने पिछले 2 साल में 100 से अधिक सांपों का रेस्क्यू एवं कार्य किया है। बाढ़ के दौरान बहाव में फंसी कार से 2 युवकों को अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त करके प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हम ऐसी प्रतिभाओं के लिए एक बार बजाएं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि इसने अपने शैक्षिक आधार पर यह योग्यता अर्जित की है। श्री सुश्री सुगंधी चांदवानी हाईलाइट करने वाले बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको गोल्ड मेडल और 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार आपने आपको प्रदान किया है। आप संदीप जी चांदवानी उत्कृष्ट कार्य एवं सराहनीय कार्य है। श्री अंडी लाल जी मेवाड़ा साहब सहायक कर्मचारी कार्यालय हेमराज जी भी सहायक कर्मचारी कलेक्ट्रेट बूंदी आपको, श्री महावीर जी गुर्जर सहायक कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट बूंदी आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्रीमती ठाकुरबाई जो कार्यालय के लिए जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। अभिनंदन की श्रृंखला में आमंत्रित शर्मा सहायक कर्मचारी कार्यालय जिला परिषद बूंदी आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमान हरीश तिवारी जी को, फिजियोथेरेपिस्ट बूंदी राजकीय सामान्य चिकित्सक और पेशेंट को दिल में अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने। वर्षों से इनका कार्य जो है अत्यंत सराहनीय है। जिला प्रशासन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और अभिनंदन करता है। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के निर्देशानुसार हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो छिंडोली क्षेत्र के किसानों को 100% बिजली उपलब्ध आपने करवाई है। श्री राजेंद्र जी बेहरवा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन सम्मानित करता है, अभिनंदन करता है। एक श्री राजेंद्र जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। यह वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने लगातार सेवाएं दी है और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी अतिथि साहबान से निवेदन, अपने स्थान पर एक साथ सावधान।
अपने भारत माता की जय लगा रहे हैं और आवाज थोड़ी इतनी ऊंची अच्छा नहीं लगता पढ़ने कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाया है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए टीके आ गए हैं, जिन्होंने ले लिए हैं वो सबसे ज्यादा सेफ हैं, बाकी लोग भी जाकर टीके लें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस लहर के बाद में इस कोरोना काल का अंत होने वाला है। हमारे देश ने, देश के प्रत्येक नागरिक ने इस लड़ाई को लड़ा है। बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया अभी, क्योंकि बच्चों का टीका आया नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग सब चाहेंगे कि हमारे देश के बच्चे, प्रदेश के बच्चे सुरक्षित रहें, उसी कारण आज वो लोग शामिल नहीं हो पाए। योगा मास्टर, मैं तेरी सारी योगा देख रहा हूँ मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा वो वाला वो जो प्रधानमंत्री जी का था, वही वाला सर, ये वाला सर, वो सर साइड वाला, चल ये क्या है, ये सब लेग 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 प्रेस, अच्छा उसका भी दिख जाता है। स्ट्रेचिंग और व्यायाम, ये ऐसी चीजें आधा घंटा इसको नित, जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे आधा घंटा रोज व्यायाम, वो परमानेंट डोज है। आधा घंटा एक्सरसाइज करना इज परमानेंट डोज फॉर हेल्थ। आपको किसी प्रकार की वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 300 रुपये करते हैं, आप नहाओगे नहीं तो आपकी हाइजीनिक हेल्थ डैमेज हो जाएगी। वही बात, तो आप अगर स्वेट आउट नहीं करो तो आपकी इनर हेल्थ, जो इनर सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे डैमेज डिग्रेड हो। इस प्रमाइसिस में दे दें तो आपको किसी प्रकार के टीके की जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ओपन जिम का कंसेप्ट, बीमारियाँ आ रही हैं, अपन ये कहते हैं दवाई दो टीका लगाओ, कोई ये कहता नहीं कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, ये कोई कहता नहीं, जबकि वो परमानेंट दवाई है। वो आप 365 दिन टीका ले रहे हो, जितने दिन आपने एक घंटा स्पोर्ट्स खेल लिया वो एक घंटा आपको टीका लग गया, हर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। असली टीका तो वही है, बूस्टर जोड़ लेते हैं सर इसकी। और क्या गारंटी नहीं, और क्या गारंटी है कि चलो आज कोरोना का अपन ने टीका ले लिया, गारंटी है कि आगे कोई दूसरी बीमारी नहीं आएगी? बिल्कुल, वो भी आ जाएगी, उसका भी डोज लेंगे, फिर और आ जाएगी, कितनी डोज लेंगे? सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वाला एक फैक्टर, बस इम्यूनिटी इसी से होने वाली है, बाकी सब बकवास कुछ नहीं। एक्सरसाइज करना जरूरी है? नहीं, एक्सरसाइज नॉट इन द सेंस कि वेट ट्रेनिंग ही करना चाहिए, स्पोर्ट्स आप रोज बैडमिंटन खेल लो, रोज कबड्डी खेल लो, रोज कुश्ती खेल लो, दौड़ लगा लो, उठक बैठक कर लो, घर पे ये स्ट्रेचिंग और व्यायाम, ये ऐसी चीजें आधा घंटा इसको नित, जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे आधा घंटा रोज व्यायाम, वो परमानेंट डोज है। आधा घंटा एक्सरसाइज करना इज परमानेंट डोज फॉर हेल्थ। आपको किसी प्रकार की वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 300 रुपये चढ़ते हुए काम कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, मैं वो डोज लेता हूँ, हम देख भी रहे हैं, मैंने यही कहा ना, हम देख भी रहे हैं, हम तो देख भी रहे हैं, हमें थोड़ा चलना पड़ता है, डबल के लिए ताकि दो लोग कर सकें, कोई किसके खड़े हो गए, आपने किस पे खड़े होके इन्होंने खुद के हिसाब से आराम आराम के हिसाब से लगाया सामान, नहीं तो खुद लिखा अंदर वाला पैरों की, हाँ ये पैरों हाथ पे पकड़ के दो, हाँ सर हाथ के, तो इसमें क्या है, ये लेके
दिनेश दिनेश एसडीएम साहब के नहीं आ रहे यार, आप भी करो कुछ सर। थैंक यू, अच्छा है वैसे। वापस ये ऊपर उठेगा अभी तो इनके वेट से, ये जो इसको प्रेशर आएगा, ये शोल्डर का वेट, शोल्डर पर चेस्ट पे दोनों के अंदर वो नहीं लगे हुए, नहीं वेट्स नहीं लगे हुए, नहीं तो नहीं, खुद का वेट, खुद का वेट ही खुद के ऊपर आएगा, ये शोल्डर पे आता है। मोबाइल पीछे का थोड़ा और खोल लो मैडम, थोड़ा पास थोड़ा सा सर। हाँ अरे नहीं नहीं इतना मोबाइल को काम बंद। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें, जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन न्यूज़ जो है आपका अपना विश्वास।